नमस्कार, मैं मोड़बंद गांव से सोनू लोहिया। फार्म है हमारा पापटा गांव में, फरीदाबाद मोताबाद पुल के पास। हमने अपना फार्म कर रखा है गोट फार्मिंग। हमने इसे एक साल पहले किया था काम को। इस काम में बहुत प्रॉफिट है, बहुत अच्छा है काम। और ज़्यादातर हमने सिरोही नस्ल पे ज़्यादा ध्यान दे रखा है। और सबसे अच्छी नस्ल लगती है सिरोही तोतापुरी। इनमें बीमारी भी कम आती है और प्रॉफिट भी अच्छा है। इनके लिए खाने का जो है ग्वार का भूस चलता है, मूंगफली का भूस, चोकर वगैरह। और इनकी खुद की फीड भी होती है जो हम देते हैं, जैसे कि चना हो गया, गेहूँ हो गया, चूरी हो गई पानी में मिला के। और हम लेके आते हैं, 6 महीने का बच्चा लेके आते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। जैसे वो 1 साल का हो जाता है, 2 दांत या 3 दांत हो जाता है, ईद वगैरह पे हम उसे निकाल देते हैं। प्रॉफिट इसमें अच्छा प्रॉफिट है, काम भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनमें बीमारी बहुत कम आती है। पहले हमने ब्रॉयलर का काम किया था, उसमें हमें लॉस आया बहुत, पर हाँ उसका लॉस बकरियों ने और बकरों ने पूरा कर दिया हमारा। ब्रॉयलर में इतना हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, पर हाँ इसमें ठीक है काम। बच्चे हमारे घर के ही होते हैं, ये ब्रीड हमारी खुद की घर की है। 2 हमारे पास ब्रीडर हैं और 18 हमने बकरी रखी है फिलहाल। और अभी 3-4 दिन पहले हमारा और लौट गया है 25 बकरी का और 2 बकरों का। अगर बकरी अच्छी होती है, कोई अच्छा सामने लेने वाला होता है, तो हम दे देते हैं बकरी, अच्छी चीज़ देते हैं सामने वाले को, गलत नहीं। सबसे ज़्यादा सेल जो होती है वो होती है बकरा ईद के टाइम पे, और अच्छी सेल हो जाती है, प्रॉफिट अच्छा आ जाता है इसमें। और हम जिसको भी देते हैं अच्छी चीज़ देते हैं, गलत चीज़ नहीं, क्योंकि हमें बिजनेस आगे तक करना है, व्यवहार आगे तक कमाना है। एक बार ये नहीं कि एक बार कर दिया बाद में नुकसान नहीं। बकरी का दूध हम ज़्यादातर तो बच्चों को ही पिला देते हैं, और कोई जैसे डेंगू की वो शिकायत आती है किसी में, जैसे कोई यार दोस्त किसी को जरूरत होती है तो उसको दूध दे देते हैं। बकरी के दूध से प्लेट तो बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। और डॉक्टर भी बताते हैं बकरी का दूध, कीवी वगैरह ये जरूरी होती है इनमें। और वैसे बकरी का दूध पीना भी चाहिए, बहुत अच्छा होता है।